मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। और जैसे कि मेरा एडवांस सेक्शन चल रही है और एडवांस पे हम लोग मेंस्ट्रुएशन पे बात कर रहे हैं, तो आशा करेंगे कि अभी से जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया, प्यारे बच्चों आप लोग देखे होंगे या देख रहे होंगे, और मान के चलेंगे आज भी हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे वो भी आप लोग देखेंगे। और जब भी इस प्रकार का जो हम काम करें प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर कमेंट करना, ताकि ये पता चलता रहे कि जो हम काम जिस प्रकार से कर रहे हैं आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो आज हम लोग जो मेंस्ट्रुएशन का जो पार्ट है प्यारे बच्चों, जो टॉपिक हम लोग वर्ग के बारे में बता रहे हैं, तो वर्ग में ये ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, वर्ग के अंतर्गत यानी उसके अंतर्गत जो है अंदर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए या वर्ग के बाहर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए, उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो आशा करेंगे आप लोग शुरू से अंत तक चीजों को देखेंगे और बने रहेंगे, और ये भी हम मान के चलेंगे क्वेश्चन को आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, जो थ्योरम हम सिखाएंगे आप लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, 10-15 मिनट में ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाएंगे और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो जैसे हमने प्यारे बच्चों आप लोग को सामने थ्योरम के रूप में वो चीजों को हम बताएंगे, आप लोग ध्यान दें। हमने ये कहा है जैसे आपको कंटेंट जो बात हमको सिखानी है वो डाटा आपको हमने बताया, यदि किसी वर्ग के अंतर्गत भुजाओं के चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए, तो यहाँ पे दो बातें होंगे। एक बात तो होंगे रास्ता या तो बाहर की ओर बनाया जाएगा या तो रास्ता अंदर की ओर बनाया जाएगा। तो मेरा जो पहला व्यू होगा बताने का प्यारे बच्चों, हमने लिखा है यदि रास्ता अंदर की तरफ हो तब किस प्रकार से उस रास्ते को छेदपथ निकालेंगे, है ना, उसी को हम लोग देखेंगे और समझेंगे अच्छे तरीका से। तो मान के चलेंगे यहाँ पे आप लोग ध्यान दें इस बात को, एक कंप्लीट एक वर्ग है, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीका से आकृति बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग भी। एक कंप्लीट एक वर्ग है, ये मान के चलेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है डी है। हमने यहाँ पे आपको मात्र एक चीज सिखाने का प्रयास किया है, एक कंप्लीट वर्ग है और वर्ग के अंतर्गत अंदर की तरफ, अंदर मतलब यहां तक ये कंप्लीट एक फॉर्मेट वर्ग है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे तरीका से इसको ध्यान दें। कह रहा है कि वर्ग के अंदर, अंदर मतलब आप इधर जब इस एरिया के अंदर आएंगे तो यही तो आपके लिए अंदर होंगे, लेकिन हम लोग अंदर इंडिकेट किस प्रकार से करेंगे, तो एरो के माध्यम से इंडिकेट करेंगे। ये अंदर का मतलब ये अंदर होंगे, ये प्यारे बच्चों ये अंदर की ओर इंडिकेट हो रहा है, प्यारे बच्चों ये अंदर की ओर हो रहा है, ये अंदर की ओर रहा है। हम मान के चलेंगे ये एक वर्ग हमने लिया, वर्ग के अंदर हमको एक वर्ग बनानी है, मतलब वहां रास्ता हमको बनानी है। तो जब रास्ता बनाएंगे तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे और 100% ये बात आप लोग समझ जाएंगे, और जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया थोड़ा भी ध्यान देंगे, मात्र थोड़ा भी ध्यान देंगे ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ये 100% हम दावे के साथ कहेंगे, ठीक है। तो ये डॉटेड का मतलब हुआ प्यारे बच्चों समान चौड़ाई की, जितनी लंबाई हमने यहां से इधर गया है उतनी ही लंबाई हमने इधर आया, और उतनी ही लंबाई ऊपर से नीचे आया, यहाँ नीचे से ऊपर गया, और यहां से जब हमने इस फिगर पे कंप्लीट डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया है तो वहां भी अंदर एक वर्ग बन रहा होगा, और यही वर्ग जो बन रहा होगा मतलब ये इंडिकेट हुआ यदि रास्ता वर्ग के अंदर बनाया जाए, तो हम मान के चलेंगे ये वर्ग जो प्यारे बच्चों ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये क्या एस है। और इस बात को हमेशा याद रखनी है, ये एरो का हेड अंदर की तरफ है, ये एरो का हेड अंदर की तरफ है, एरो का हेड अंदर की तरफ है, एरो का हेड अंदर की तरफ है। इसका मतलब है जब भी एरो का हेड अंदर की तरफ हो, इसका मतलब है रास्ता वर्ग के अंतर्गत जो बनाया गया अंदर की ओर बनाया गया, क्योंकि ये डाटा आपको ये सिंबल बता रहा अंदर की ओर ये बनाया गया, और यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। ये जो एरिया देख रहे हैं प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, ये जो एरिया देख रहे हैं यही आपका रास्ते का, ठीक है, यही आपका रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। और ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते, 100% जानते होंगे, बस आप लोग को थोड़ा सा हिंट हम कर देंगे, है ना, तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी।
ठीक है, तो हम मान के चलेंगे जो बात हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छे तरीका से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है रास्ते अंदर की ओर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों, रेखांकित तो भाग का क्षेत्रफल पूछ सकता है, काला भाग का क्षेत्रफल पूछ सकता है, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ सकता है। मतलब ये चार शब्द में किसी भी प्रकार का शब्द आपसे पूछ लेगा तो उसका अर्थ वही होगा जो हम आपको सिखाने वाले, ठीक है, क्या आप समझ रहे? चलिए तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों ये जो रास्ता हमने बनाया समान लंबाई, अगर ये अगर हमने x अंदर की ओर x मीटर अंदर की ओर हमने गया है तो यहाँ भी x मीटर अंदर की ओर हमने गया होगा, यहाँ पे भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों x मीटर अंदर की ओर गया हो और यहाँ पे, और हम ये भी मान के चलेंगे क्योंकि आप लोग जानते होंगे वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है आपस में 100% समान होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है, जो ऑलरेडी हमने पहले भी ये बात आपको सिखाने का प्रयास किया है। यदि आप लोग पहले का वीडियो नहीं देख के होंगे तो अच्छे तरीका से देख लीजिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, देखे होंगे, अच्छी बात है। अब हम ये ए बी सी डी जो प्यारे बच्चों ये कंप्लीट बराबर है इसको ए मानेंगे, और आप लोग जानते हैं वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है वो समान होती है, ये कंप्लीट आपका ए हुए, ये भी प्यारे बच्चों आपका क्या होंगे ए होंगे, ये भी आपका क्या होंगे ए होंगे। तो देखो यार ये बात आपके लिए बहुत आसान होंगे कब, जब आप चीजों को अगर ये डायग्राम आप समझ गए होंगे तब। हमने कुछ नहीं कहा, पुनः प्रीव्यू के रूप में हम चाहते हैं रिकॉल करें, एक ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, ए मीटर है, चाहे सेंटीमीटर यूनिट चाहे जो भी हो, इस पे ध्यान न दे क्योंकि ये अभी कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है जो हम आपको सिखाएं, यूनिट चाहे जो भी होंगे आप इस थ्योरम को समझ लेंगे, डाटा पुट करेंगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये x मीटर अंदर, x मीटर अंदर क्योंकि वर्ग की जो भुजा होते समान होते, जब x मीटर अंदर होंगे तो x मीटर यहां से हम मान लेते हैं एक वर्ग बना अंदर की ओर p q r s, ठीक है, यहां पे दो वर्ग बन रहा है, बड़ा वर्ग आपका a b c d है, छोटा वर्ग जो अंदर की ओर बन रहा है p q r s है, क्योंकि ये पहला कॉन्सेप्ट है इसीलिए हमने सोचा थोड़ा सा थेसिस कर देंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको जो निकालना है प्यारे बच्चों बड़ा वर्ग का जो भुजा होंगे, ध्यान दे बड़ा वर्ग की भुजा जो होंगे आपका ए है जो हमने लिखा है, छोटा वर्ग का भुजा बात करेंगे, छोटा वर्ग की भुजा बात करेंगे प्यारे बच्चों 100% आप लोग ध्यान दे, आप ये बात आप लोग अच्छे तरीका समझ लें, हम चाहते हैं कि जो बात हम सिखाएंगे प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि यहां से प्यारे बच्चों आपका ए मीटर है चाहे ए सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि एक मीटर या मतलब एक्स मीटर इधर से कट रही, एक्स मीटर इधर से कट रही, तो हम मान के चले ये जो लंबाई होंगे प्यारे बच्चों ये पी क्यू होंगे, कि वर्ग तो हमेशा भुजा समान होती है, तो ये कुल में से एक्स मीटर इधर से एक बार कट होंगे, एक बार इधर से कट होंगे, तो एक्स दो बार कट हो रहे होंगे, तो ए में से एक बार आपका बाएं तरफ x मीटर कट रहे होंगे, एक बार दाएं तरफ x मीटर कट रहे होंगे, तो ये a में से यहाँ पे कितना हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, और यही आपका छोटा वर्ग की क्या होंगे भुजा होंगे। अब यहाँ से बड़ा वर्ग की भुजा मेरे पास आ गया, छोटा वर्ग की भी भुजा आ गया, अब हमको जो मूल बात निकालनी उसको समझेंगे, तो वही आपसे पूछा जाए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल या हो सकता है रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल हो सकता है, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल हो सकता है, काला भाग का क्षेत्रफल, काला भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें से आपका ये कुछ भी पूछ सकता चाहे रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन जनरली सबसे ज्यादा जो शब्द यूज होता है रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन ये भी मान के चला प्यारे बच्चों ये भी आपको अगर जानकारी है तो यहां से आपका क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, और 100% किसी भी रूप में अगर भाषा दे आप लोग ईमानदारी से बना पाएंगे। तो हम मान के चलेंगे तो बड़ा वर्ग में से आप लोग इस बात को ध्यान दें, ये कंप्लीट बड़ा वर्ग में से अगर हम छोटा वर्ग को घटा लेंगे तो यही तो एरिया मेरे पास शेष भाग है, रेखांकित भाग है,
चाहे रास्ते का छतपल, यही तो आपके लिए वो डाटा है। तो हम कह सकते हैं जो 12 वर्ग है प्यारे बच्चों, मतलब ए बी सी डी जो 12 वर्ग है, ये भी आप लोग जानकारी, ए बी सी डी जो 12 वर्ग है और आपका जो डाटा है पी क्यू आर एस आपका छोटा है ना, क्या आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो 12 वर्ग आपका भुजा हो जाएंगे ए स्क्वायर, छोटा वर्ग का जो भुजा होंगे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें ए माइनस टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये भी मान के चलेंगे ए स्क्वायर, मतलब हम दो तरह से यहाँ पे सिखाएंगे आपको, अगर आप लोग अच्छे तरीका से समझेंगे तो हमको नहीं लग रहा ये कोई आपके लिए नया नहीं होंगे। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी डाटा यूज कर सकते हैं, या ए स्क्वायर इसको प्यारे बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर के भी रूप में यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप लोग ये पहली बार देख रहे होंगे, जानते भी होंगे, तो यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर होंगे माइनस, तो जानते हैं टू ए बी, ये हो जाएंगे चार एक्स ए और ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आप लोग कुछ मत करना, इस ब्रैकेट की यदि हटाएंगे तो आप लोग जानते होंगे ए स्क्वायर होंगे, ये ए स्क्वायर होंगे, ये माइनस और ये माइनस, दोनों ब्रैकेट हटेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो चार एक्स ए हो जाएंगे और ये माइनस क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये सी आपका क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से मेरे पास जो डाटा बन पा रहा है यहाँ से हो जाएंगे फोर एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे या फोर एक्स कॉमन लेंगे तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे जो मेरे पास डाटा आएंगे वो ए आ जाएंगे और यहाँ पे क्या जाएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो फोर एक्स हो जाएंगे और माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट थ्योरम आ गया। जब भी रास्ते के क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए लेकिन अगर अंदर की ओर होंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे माइनस की ओर होंगे और ये एक्स बताता रास्ते की चौड़ाई, हम चाहते हैं ये बात को लिख दे, एक्स का मतलब हुआ रास्ते की चौड़ाई, एक्स बराबर रास्ता की चौड़ाई, रास्ता की चौड़ाई होंगे, ठीक है। और ए तो समझ ही रहे प्यारे बच्चों, ये बारह वर्ग की भुजा होंगे, बारह वर्ग की क्या होंगे भुजा होंगे। यदि रास्ते अंदर की ओर होंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे माइनस होगा, यदि रास्ते बाहर की ओर होंगे तो वहां पे क्या होंगे प्लस होंगे। और हम चाहते हैं कि ये बात आप लोग लिखेंगे और लिख लिए होंगे, यदि नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारी बात इस पे हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से और क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ किसी भी चैप्टर का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो मिस न हो सके। और दोस्त के भी चर्चा चले प्यारे बच्चों, यदि आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्त को भी अच्छा लगेगा ही, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे और इस पे हम बाहर की ओर जो बात होंगे उस पे कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो ये बात हमने आपको सिखाया है, ये बात इसलिए सिखाया है क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आएंगे थोड़ा भी अगर आप पढ़ लेंगे आज यहाँ तो आपको कभी ये छूट नहीं सकता है, ठीक है। इसको डायग्राम को भी हम मिटाएंगे, उसके बाद नया सिरा से आपको फिर बाहर की ओर बात करेंगे। तो यदि रास्ते बाहर की तरफ हो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट नंबर दो पे हम लोग बात करेंगे, यदि रास्ते बाहर की तरफ बनाए जाए तब क्या होंगे क्षेत्रफल, थोड़ा हिंट करेंगे, बाकी प्रोसेस आपका वही है, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे एक वर्ग है प्यारे बच्चों, और आप लोग ध्यान दें इस बात को, ये कंप्लीट एक वर्ग है, ठीक है। अब कह रहा है कि रास्ते बाहर की तरफ, तो जैसे हमने बताया था आपको याद भी होगी है ना, ये जो एरो बता रहा है प्यारे बच्चे इसका मतलब ये ओरिजिनल से बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये हेड का कमाल है और आप लोग जानते होंगे हमने रीजनिंग में इसी हेड पे है ना सारी बातें सिखाने का प्रयास करते और बच्चे सीखते भी, तो इस बात को याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो हेड है ये हेड इंडिकेट कर रहा रास्ते बाहर की ओर है, और ये हेड अगर अंदर की ओर होता था तो आपने जानकारी ले चुके हैं है ना, रास्ता अंदर की ओर बनाया गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम डॉटेड के रूप में बात करेंगे क्योंकि ये जब भी हम लोग मतलब ये डॉटेड का मतलब हुआ प्यारे बच्चों हमने थिंक आउट किया, ठीक है, ओरिजिनल चीज से हमने थिंक आउट करके आपको कुछ नया चीज करने का प्रयास किया, ये डॉटेड का मतलब ये होता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर ड्रॉ करेंगे तो आप लोग जानते होंगे
और इस बात को आप लोग समझेंगे, और आज के बाद ये कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो अनिजरण वर्ग की हम बात करें थे, ए है, बी है, सी है, डी है। यदि नया वर्ग की बात करेंगे तो ये पी है, ये क्यू है, ये आपका आर है, ये आपका क्या है, एस है। तो हम ये भी मान के चलेंगे, यही एरिया आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया देख पा रहे हैं, यही आपका रास्ता का क्षेत्रफल हुआ, यही आपका रेखांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ, यही आपका शेष भाग का क्षेत्रफल हुआ, यही आपका काला भाग का क्षेत्रफल हुआ, है ना। तो ये जो देख रहे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत न हो, ठीक है। ये रेखांकित भाग बोलिए, चाहे रास्ता का क्षेत्रफल बोलिए, चाहे जो आप बोल पा रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा इंक हम इस पे डालने का प्रयास करेंगे, आप लोग थोड़ा सा है ना अच्छे तरीका से देखें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने इंक डाल दिया है, आप लोग पुनः ध्यान दें इस बात को। तो यही आपका जो बात हमने बताया है, तो वही बात आप मान के चलेंगे प्यारे बच्चों। ये जो अनिजरण वर्ग है, यही आपको हमने कहा था, जो अनिजरण वर्ग होंगे उसके लिए भुजा हमने क्या माना, ए माना, है ना। और ये भी अनिजरण वर्ग है, ये भी आपका भुजा ए है, ये भी अनिजरण है ना, वास्तविक वर्ग है, आपका भुजा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। आपका रखे रास्ता आखिर बनाया कितना, तो ये अननोन डाटा है, लेकिन हमने आपको कहा था रास्ते जो है एक्स मीटर बाहर की ओर गया है। अगर एक्स मीटर एक तरफ बाहर की ओर जाएंगे, इसका मतलब चारों तरफ जाएंगे, ऐसा क्यों, क्यों का मतलब ये हुआ, क्योंकि वर्ग की भुजा जो होती है ऑलवेज क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। एक्स मीटर आपका नीचे जाएंगे, दाएं जाएंगे, और क्या जाएंगे, मतलब चारों तरफ आपका समान चौड़ाई यानी समान लंबाई से बाहर वो जा रहे होंगे, ठीक है। अब यहां से हमको पूछा जा रहा है, अगर मतलब वर्ग की हम बात करेंगे, वर्ग ए बी सी डी की अगर हम भुजा बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, जो छोटा वर्ग के रूप में होंगे, छोटा वर्ग के रूप में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये भी बात करेंगे पी वर्ग, वर्ग पी क्यू आर एस की भुजा बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग 100% ये बात जानते हैं, यहां तक मेरे लिए ए है, और ये दाहिने तरफ एक्स मीटर बढ़ेंगे और बाएं तरफ एक्स मीटर बढ़ेंगे, मतलब ओरिजिनल से हमने मतलब दो बार एक्स मीटर बढ़ा है, तो हम ये मान कर चलो ओरिजिनल से दो बार, एक बार हमने बाएं बढ़ा है और एक बार क्या बढ़ा, दाएं बढ़ा, ये मान कर चलेंगे ए प्लस कितना हो, 2x हो जाएंगे, और यही आपका बड़ा वर्ग होंगे, क्या होंगे, बड़ा वर्ग होंगे, और आप लोग ये समझ चुके होंगे या तो समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहीं से आपसे पूछा जा रहा है रेखांकित भाग का क्षेत्रफल चाहे शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है शब्द वो रास्ता का क्षेत्रफल, ठीक है, चाहे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, है ना, काला भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब जो भी आपसे पूछा जाए आप लोग 100% कर लेना प्यारे बच्चों। तो हम ये मान कर चलेंगे, तो जो बड़ा वर्ग होंगे, है ना, क्योंकि वो छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है, तो हम ये मान कर चलेंगे, आप लोग जानते भी होंगे, तो मेरे पास जो ओरिजिनल वर्ग पहले था वो ए स्क्वायर था, क्योंकि क्षेत्रफल होता वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और जो नया वर्ग बना प्यारे बच्चों, ये ए प्लस क्या उतना हो जाएंगे, 2x, और इसका स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसीलिए बड़ा से हमको छोटा से बड़ा जाए, मतलब ए होंगे, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे, ये हो जाएंगे ए स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा नहीं प्यारे बच्चों, ये बड़ा से छोटा हमको जाना है, एक सेकेंड आप लोग ध्यान दें इस बात को, ठीक है, कहां गया कपड़ा, है ना, बड़ा से छोटा जाना, एक सेकेंड, क्योंकि बड़ा में से छोटा, एक सेकेंड, ये बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, छोटा तब तो ये होगा, है ना, तो ये बड़ा वर्ग आपका हो जाएंगे, यही आपका बड़ा वर्ग है, तो a प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, और छोटा वर्ग कितना हो जाएंगे, a स्क्वायर हो जाएंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, 2ab ये हो जाएंगे, 4x a हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यही 4x a प्लस 4x स्क्वायर हो जाएंगे, और यही अगर हम 4x कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, तो 4x कॉमन लेंगे, यहाँ a प्लस कितना हो जाएंगे, x हो जाएंगे, और यही बात हमने सिखाने का प्रयास किया है,
यदि अंदर की ओर होगा तो इस जगह पे आपका क्या होंगे, प्लस होंगे ए माइनस होंगे, अगर बाहर की ओर होंगे तो क्या होंगे, प्लस होंगे। दो बात पुनः क्लियर कर लें, इस फॉर्मेट में यदि माइनस होंगे तो इसका मतलब रास्ते अंदर की ओर बनाया गया होगा, अगर इस जगह पे अगर प्लस होंगे तो रास्ते मतलब बाहर की ओर बनाया गया। एक्स का मतलब चौराहे होंगे, ए मतलब ओनिडिरल जो वर्ब होंगे उसकी भुजा होंगे। तो हम मान के चलेंगे ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आशा करेंगे ये बात आप लिख लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हैं या कमेंट में करना, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए, तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देना, और क्वेश्चन तो हमने कहा भी था इस तरह के आपके सामने हम क्वेश्चन देंगे, आप इस तरह के क्वेश्चन को हिट एंड ट्राई से भी बना सकते हैं, है ना, जैसे आपको सुविधा हो कर सकते हैं। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहे और सारी बात आपको हम लोग सिखाएंगे समझाएंगे, टेंशन मत लेना प्यारे बच्चों, बस आप लोग ध्यान दे। देखिए क्या होता है, समय का क्या कैसा रूप आ चुका है ना, लोग घर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। इसलिए टेंशन ना लीजिए, सारी समस्या दूर हो जाएंगे यदि समस्या को समाधान करने का प्रयास भी करेंगे तब। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे और क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास करना। तो जैसे इस क्वेश्चन के यदि आप लोग देख रहे होंगे, और हम तो चाहेंगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है आप लोग क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद हम आपको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग मिला लेना प्यारे बच्चों, है ना। आशा करेंगे कि आप लोग प्रयास जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है, इसके अंदर ध्यान दे इस बात को अंदर की ओर कर रहा है, इसके अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ते बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल। और जस्ट हमने थ्योरम में भी आप लोग को जस्ट सिखाने का प्रयास किया और साबित भी हमने किया था, ठीक है, और आप लोग समझे भी हैं। तो कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी लंबाई जो है 200 मीटर है ना, एक वर्ग है जिसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर है। आप कह रहे हैं इसके अंदर, अंदर मतलब अंदर तो समझ रहे होंगे, तो हमने कहा था जब अंदर होंगे तो डॉटेड बनाएंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये थिंक आउट करके सोचा है चीजों को, ठीक है। एक बाहर अंदर की ओर बना, लेकिन अंदर की ओर इंडिकेट करने के लिए हमने एक एरो का हेड का उपयोग किया, और ये हेड बता रहा है ये आकृति जो होंगे ये अंदर की ओर होंगे। जब अंदर की ओर रास्ता बनाया जाए तो हमने अभी जस्ट आपका थ्योरम बताया था, रास्ते का क्षेत्रफल चाहे शेष भाग का क्षेत्रफल, चाहे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, चाहे काला भाग का क्षेत्रफल 4x, ठीक है, और a माइनस कितना हो जाएंगे x हो जाएंगे। और यही बात हमने आपको जस्ट अभी सिखाने का प्रयास किया। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है, ठीक है, यही तो हमने लिखा भी था, ठीक है, यही तो डायग्राम भी है। तो जब भी आपका अंदर की ओर होंगे प्यारे बच्चों, कुछ मत सोचना है, यहाँ पे x तो होंगे वो माइनस के रूप में होंगे फॉर्मेट, जब बाहर के होंगे तो यहाँ पे क्या होंगे प्लस होंगे, और ये बात आप लोग सीखे भी होंगे, यही बात तो हमने थ्योरम प्रूफ किया है ना, बिल्कुल किया है, ठीक है। अब ये मान के चलेंगे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो हमने प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 लिखेंगे, और x का मतलब हमने सिखाया था वो चौराहे होंगे, और रास्ते के चौराहे मतलब 2 पॉइंट यहाँ पे 5 हो जाएंगे, ठीक है। और a मतलब ओनिडिरल जो वर्ग होंगे उसकी लंबाई हो जाएंगे, है ना, 200 हो जाएंगे, और ये 2 पॉइंट कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। हम चाहते हैं प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट करें और आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंपलेस्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग घटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो 5 से इसको छोटा करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, 5 से कितना हो जाएंगे, इसको छोटा करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम चाहते हैं कि कंप्लीट इसको गुना करें, ये मेरे लिए आसानी हो जाएंगे, क्यों हम आपको सिखाएंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, क्योंकि 5 से काटे 2 होंगे, 5 से 5 होंगे, फिर 2 से काटे ये 2 हो गए, तो 5 गुना 10, इसको कंप्लीट हम गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो ये कितना हो जाएंगे 2000 हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी आप रफ में समझने का प्रयास करें प्यारे बच्चों, यदि हम 2.5 में से अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये 25 हो जाएंगे, और 2000 में से यदि 25 जाएंगे तो 1900 कितना हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी रास्ते का जो क्षेत्रफल होंगे 1975 हो जाएंगे, लेकिन यूनिट आपका मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। क्या इस क्वेश्चन को समझने में किसी बच्चे को कोई समस्या, यदि समस्या है तो बोलिए, हम आपको आगे सिखाने का प्रयास करेंगे, किसी भाई को समस्या नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को समझेंगे, हमने कुछ नहीं कहा, जब अंदर की ओर होंगे तो माइनस होगा, जब बाहर की ओर होंगे तो क्या होंगे
प्लस होंगे, ए मतलब अनिजरक बर की भुजा होंगे, एक्स मतलब रास्ते की क्या होंगे चौराहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे जो हम क्वेश्चन बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को संज्ञान में जो हमने सिखाने का प्रयास किया है, मेरा वर्षों से अनुभव है और हम तो बच्चे के बीच ही सारी बातें डील करते हैं और सारी समस्या को भी सुनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आपको तो हम आशा करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को बना। तो जैसे कि प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को यदि आप लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको बाहर की तरफ है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ अलग तरीका से आप लोग काम करें। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर, अब देखिए ध्यान दे इस बात को, बाहर की तरफ कर रहा है, बाहर समान चौराई का एक रास्ता बना हुआ है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 256 मीटर है, वर्ग मीटर है, तो रास्ते की चौराई ज्ञात। मतलब इसमें क्या है, दो बात यहाँ पे आपका, एक तो मान के हम चलेंगे जो रास्ता बनाया गया प्यारे बच्चों वो बाहर की तरफ है, तो बाहर हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, कैसे थिंक आउट करेंगे बाहर की ओर। तो हमने बताया था जो भी चीज हम डाटा अगर सोचेंगे, जो मेरे लिए एक्स्ट्रा होंगे उसके लिए हम लोग डॉट डॉट से इंडिकेट करेंगे, और आप लोग जानते हैं, और हमने कहा था है ना अलग कलर से हम लोग यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल वो सारी सामान अभी अवेलेबल नहीं है, मार्केट बंद है प्यारे बच्चों, इस वजह से नहीं हो पा रही है। ठीक है, आप लोग टेंशन ना ले। अब देखिए ये इंडिकेट इसका मतलब है कि रास्ते बाहर की ओर है, तो आप बाहर की ओर समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन पे बात किया था प्यारे बच्चों, वहां पे आपको अंदर की ओर था, वहां पे आपको चौराई निकालनी थी, रास्ते का क्षेत्रफल निकालनी थी, आप 100% निकाल लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कि रास्ते का आपका क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब आखिरी ये जो रास्ते की जो बाहर की ओर कितनी मीटर, ये ओरिजिनल वर्ग से आखिर कितनी मीटर रास्ता बाहर की ओर बनाया गया होगा, वही आपको निकालने, मतलब एक्स का मान निकालनी है। तो हमने अभी जस्ट आपको सिखाने का प्रयास किया, आप लोग ध्यान दें, चाहे रास्ते का क्षेत्रफल हो, चाहे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल हो, चाहे काला भाग का क्षेत्रफल हो, है ना, लेकिन अगर बाहर की ओर होंगे तो यहाँ पे हमने 4x और a प्लस क्या सिखाने का प्रयास किया, x। और ये थ्योरम यदि हो सकता है अभी देख रहे होंगे तो शुरू में ये सारा दो थ्योरम हमने प्रूव किया प्यारे बच्चों, आप 100% चीजों को समझ लेंगे और आगे बढ़ भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल आपका पूछा जा रहा है, और रास्ते का क्षेत्रफल तो दे ही रखा है 256 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रास्ते की चौड़ाई पूछा जा रहा है, कि बाहर कितनी मीटर ऊपर आया गया होगा, यानी एक्स का मान निकालिए। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, एक्स तो आपको जानकारी है ही नहीं, वही तो निकालना है ना। ए आपको दे रखा, बिल्कुल दे रखा है, 30 मीटर दे रखा, और यहाँ पे कितना हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। अगर हम चाहें कि प्यारे बच्चे इसको क्वाड्रेटिक में भी बना सकते हैं, लेकिन हम बार बार एक ही चीज आप लोग को कहेंगे, क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन को दो या तीन तरीका से भी बना सकते हैं, ये काबिलियत की बात नहीं, काबिलियत की ये बात है कि कम समय में आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मायने रखती है। तो वन डे कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि आपका ऑप्शन नहीं रहे, बिल्कुल रहेगा। तो हम मान के चलेंगे थोड़ा सा अगर ऑप्शन को हम अगर ध्यान में रखेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएंगे, लेकिन हम बेसिक भी बात करेंगे। लेकिन मेरा पहला अप्रोच हमेशा रहता है टेक्निक का, हम चीजों को किस प्रकार से समझा पा रहे हैं, बच्चे को उस रूप से हम सिखाने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार से बच्चे के लिए अच्छा हो वो काम हम करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा हिंट करेंगे हीट एंड ट्रायल से तो वो मेरे लिए बेस्ट होंगे, उसके बाद आपको हम बेसिक से भी बात करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल से यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो हम मानकर चलते हैं किसी ऑप्शन में x मतलब चौराई 2 होंगे, कितना होंगे तो 2 होंगे, तो 4 गुने हमने 2 लिखा है, और यहाँ पे ध्यान दे प्यारे बच्चों x का मतलब हमने 2 लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे मेरे लिए कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये मेरे लिए कितना हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ठीक है, और इसको अगर हम गुना करेंगे प्यारे बच्चों, 8 × 2 = 16, हाँ सी 1 8 और 3 को गुना 24 और 1 कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। क्या 256 के बराबर 256 हो रही, बिल्कुल, आप कहेंगे यस। तो वही बात है, हम मान के चलेंगे इसका मतलब रास्ते की जो चौराई जो बढ़ाया गया होगा वो कितनी मीटर को होंगे, 2 मीटर को होंगे। कितनी मीटर को होंगे, आप कहेंगे 2 मीटर का। क्या इस बात को आप समझ पाए, यदि समझ पाए तो मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि आपको वो चीज हम सिखाने में सफल रहे। अब रहा बेसिक बात, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम बेसिक से हिंट करेंगे, उसके बाद आप लोग को आगे जो काम करना है, जो हम पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना। ठीक है, तो जैसे अगर हम बेसिक से बात करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये डाटा मेरे पास 256 है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है,
इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये आप हो जाएंगे 120 एक्स हो जाएंगे, और इसको इसको गुना करें तो कितना हो जाएंगे 4 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। इस डाटा में से अगर इसको हम घटाने का प्रयास करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, 120 एक्स माइनस 256, ठीक है, बराबर 0। हम चाहेंगे प्यार बच्चे 4 यहाँ पे कॉमन ले, हम चाहते तो यहाँ भी ये कैंसिल आउट कर देते, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ये आपका 30 एक्स हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 6 6 24 हो जाएंगे, 4 4 16 हो जाएंगे, बराबर 0। ये पार्ट को हम कंप्लीट, ये क्योंकि ये गुना में प्यारे बच्चे इसको इस पार्ट को रखेंगे और ये बट्टा हम करेंगे कितना हो जाएंगे 0 के, मतलब 0 बट्टा अंक तो आप लोग जानते होंगे कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे आपका 30 एक्स, ये हो जाएंगे कितना 64 बराबर कितना 0, ठीक है। अब यही चीज आपका क्वाड्रेटिक में आ गया, और तो द्विघात समीकरण में आ गया, और आपको ये बात तो आप लोग जानते होंगे 30x, ठीक है, कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, 6 6 24 4 4 16 बिल्कुल राइट सही है, ठीक है, ये आपका हाँ 100% सही है, और ये हो जाएंगे माइनस 264 बराबर कितना। अब यहाँ पे ये मामला रहा प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे कितना रखे ये मिडल में, ताकि जोड़ने पे मेरे लिए 30 हो जाए और गुना करने पे कितना हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। हमने क्या सिखाने का प्रयास किया है, आखिर ये मिडिल पार्ट में हम कितना रखेंगे जो जोड़ने पे मेरे लिए 30 हो जाए और गुना करने पे कितना हो जाए 64 हो जाए, तो उसको आप लोग को सोचना है, और जब सोचेंगे तब आपके लिए ये, और ये तो बहुत आसान है कि आप लोग सोच पाएंगे, लेकिन अगर इससे भी बड़ा अगर आ जाए तब आप लोग किस प्रकार से उसको करेंगे। तो हम इसी चीज से बचने के लिए प्यारे बच्चों आपको हमने बताया था, आप इस चक्कर में ना रहे, है ना, जो हीट एंड ट्रायल आपको हमने सिखाने का प्रयास किया उस पर काम करें, तो आशा करेंगे यहां से आप लोग गुणनखंड कर लेना, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आप लोग को अगर दिक्कत हो रही होगी तो हमको तो लग रहा है कि ये बना लेंगे, लेकिन बच्चे को देखते हुए कुछ नहीं प्यारे बच्चे, ये कुछ नहीं है, 32x में से यदि 2x जाएगा कितना 64 बराबर कितना 0, तो देखिए 32x में से 2x जाएंगे तो ये 30 हो रहे, और 32 दुना कितना हो जाएंगे 64, इसी वजह से हमने छोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 32 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पे 32 हो जाएंगे। अब ये दोनों पार्ट तो समान है तो x प्लस 32 हो जाएंगे और x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए ये तो आपको वैसे निगेटिव भी हो रहे, और कभी भी वर्ग की भुजा से कभी भी चौड़ाई अधिक हो नहीं सकती है, इसलिए ये पार्ट तो होगा नहीं प्यारे बच्चों, तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना 2। तो आपको इतना काम करना पड़ेगा तब आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अगर इतना करेंगे तब तो पता चलेगा कि जीवन भर आप यही काम करते रह गए। तो हम मान के चलेंगे कि ये बात आप कभी न करना, हाँ कुछ ऐसी बात है जहाँ पे आपको गुणनखंड नहीं निकलता, हम लोग विवेचक डिस्क्रिमिनेंट के रूप में चीजों को समझेंगे, लेकिन वो इतना ना हम प्रयास आपको प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि ये नौबत आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए टेक केयर, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि अंदर से हम मोटिवेट होके और आप लोग के लिए और अच्छे तरीका से वीडियो बनाए। थैंक यू, ओके।